सुबह का शांत मनोरम नजारे आप देख सकते हैं। दिस इज निर्मल और ये है ब्यूटीफुल शिमला। किन्नर कैलाश ट्रेक करके वापस आने का समय हमारा एक बाफर डे था। हमने सोचा क्यों ना हम एक बार शिमला घूम ले, और हमारा इस बार रहने का जगह है शिमला कालीबाड़ी। पूरी रात बस जर्नी के बाद हम सुबह सुबह शिमला ISBT बस स्टैंड पहुंचे और वहां से लगभग 5 किमी दूर कालीबाड़ी आए। अगर आप पैदल चलते हैं तो रास्ता छोटा हो सकता है। आइए आपको यहाँ की नज़ारे दिखाते हैं। लुभावनी हिमालय रेंज के बीच स्थित शिमला में कालीबाड़ी मंदिर एक सीरीन सेंचुअरी के रूप में खड़ा है, जो भक्तों और ट्रैवलर्स को समान रूप से आकर्षित करता है। स्ट्रैटेजिकली ये एक सुविधाजनक स्थान पर स्थित है। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आसपास की वैलीज और चोटियों का मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करता है। यहां लॉन्च करने के बाद हम शिमला का मशहूर मैल यानी रिज को देखने जा रहे हैं। यहाँ की नज़ारे तो देखिए आप, अभी आसमान में हल्की बादल छा गए और दूर की नज़ारे और भी मनमोहक दिखता है। और यहाँ काफी बंदर है तो सावधानी से जाना होगा। और ये है शिमला के फेमस रिज। ये रिज एक बड़ा खुला जगह है जहाँ से पूरे शहर और आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत पैनोरमिक नज़ारा दिखता है। ये स्थानीय लोगों और ट्रैवलर्स के लिए एक पॉपुलर मिलन स्थल है, और इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए इसे जरूर देखना चाहिए। यहाँ सर्दियों में घूमने और धूप महसूस करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ एक चर्च है और खूबसूरती देखने के लिए बहुत खुली जगह है। खाने के लिए जगह है, लक्कड़ बाजार पास ही है, वहाँ आपको उलन कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ आप हॉर्स राइड कर सकते हैं और एक आर्टिफिशियल झरना भी है।
जहाँ पर आप आके बैठकर ऊपर से पूरी मल यानी रिज की खूबसूरत नज़र का आनंद ले सकते हैं। अब हम रिज से ट्रेक करके जाकू हिल्स पहुंचते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, ये शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाकू हिल है, जो रिज से लगभग 2 किमी पूर्व में सी लेवल से लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान हनुमान को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ बहुत शांति से पूजा कर सकते हैं। ये स्थान भगवान हनुमान की सुंदर मूर्ति के साथ है। जाखू पहाड़ी अपने शानदार नजारों के लिए जानी जाती है। यहाँ 108 फीट ऊंचाई हनुमान जी की मूर्ति है। घना देवदार पेड़ों के बीच से जाने का रास्ता बहुत ही मनोरम है और ऊपर से दिखने वाला दृश्य वाकई अलौकिक है। जाकू मंदिर की चढ़ाई आसान है और ये खूबसूरत हिमालय पहाड़ी की चोटी तक ले जाती है, जहां शांत और सुकून की पल बिता जा सकते हैं। अगर आप ट्रेक नहीं कर पाते हैं तो रोपवे या कार से पहुंच सकते हैं। सिर्फ बंदरों से थोड़ा सावधानी रहे। अब लौटने का समय हो गया है और यहां की नजारे अब देख सकते हैं कि कैसे बादलों ने एक खूबसूरत माहौल बना दिया है। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर देवी काली को समर्पित एक प्राचीन पूजा स्थल है। इसका निर्माण 1845 में हुआ था और इसे भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक धार्मिक महत्व का माना जाता है। इस मंदिर में देवी काली की मनमोहक मूर्ति विराजमान है, जिसे आभूषण और रंगीन फूलों से खूबसूरती से सजाया जाता है। गुड मॉर्निंग, और ये है शिमला कालीबाड़ी के टॉप फ्लोर। अब नज़ारे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है।
शायद अब जाकू हिल्स की नजारे देख सकते हैं, अब बादलों से घिरा हुआ है। और यहाँ के इंतजाम देख पाते हैं। कृपया इसकी तुलना अन्य होटलों से ना करें। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बंगालियों का हेरिटेज कल्चर जुड़ी हुई है और आपको एडजस्ट करके रहना होगा अगर आप इतना सुंदर आध्यात्मिक वातावरण से रहना चाहते हैं तो। আপনি কতদিন এখানে আছেন? বাহ, আমার বেশ ঐতিহ্যবাহী লজ, সেই সাথে এখানে মন্দির, মানে সত্যি চোখ ধাঁধানো পরিবেশ এবং এখানে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার সাথে এই অপরূপ পরিবেশে একটা বাঙালির যে গর্বের ব্যাপার, হ্যাঁ, বাড়ির অনুভূতি সম্পূর্ণ, একদম একদম গোটা সিমলাতে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে। शायद इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जगह कितनी पुरानी है। एकदम नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, मानो जैसा हम अब कलकत्ता में किसी हेरिटेज जगह पर है। अपने केंद्रीय स्थान के बावजूद मंदिर शहर की जीवन की उथल पथल से दूर एक शांत आश्रय प्रदान करता है। हम लोग यह विवेकानंद भवन में थे और सिर्फ 500 रुपया रेंट पर डे है। अभी तो ऑफ सीजन है, यहाँ 24 घंटे ठंड और गर्म पानी भी मिलता है। अगर आप शिमला कालीबाड़ी में रुकना चाहते हैं तो जरूर दिया गया नंबर से कॉन्टेक्ट करके बुकिंग प्रोसेस जान लीजिएगा। पीक सीजन में आपको 3 से 4 मास पहले बुकिंग करनी होगी, ऑफ सीजन में आपको आसानी से मिल जाएगा।